Hello students, welcome to my channel. So students, in this supply we have already completed few parts. आप मेरे playlist पे जाके देख सकते हैं, मैंने इसके meaning और जो determinants थे वो मैंने complete कर दिए हैं, ठीक है। तो so let's begin with a new topic, that is supply function and law of supply. Okay, तो first is supply function. Supply का function कैसे होता है? So students, अगर आपने पहले determinants नहीं पढ़े हैं तो एक बार आप उसको check कर लीजिए, क्योंकि supply function is actually based on the determinants, ठीक है। कैसे? देखिए, the supply function is a statement which states that the relationship between the quantity supplied of a commodity and its determinants, ठीक है। हम ये पढ़ तो लेंगे, लेकिन जब हम ये पढ़ते हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या है, एक स्टेटमेंट है जो हमें क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई एंड द कमोडिटी ऑफ द, लाइक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब हम डिटरमिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हमें क्या पता होना चाहिए, उसके डिटरमिनेंट्स से पता होना चाहिए जो हमने लास्ट क्लासेस में कंप्लीट किए हैं। तो सप्लाई फंक्शन क्या है? सप्लाई फंक्शन इज अ स्टेटमेंट व्हिच एक्चुअली शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और वी कैन से द क्वांटिटी सप्लाइड एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। यस, सो हियर इज द फंक्शन स्टूडेंट। ओके, सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से सप्लाई फंक्शन है जिसमें क्या लिखा हुआ है, देयर एस एन मींस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, F means showing the relationship between supply of a commodity. Okay, that F relates to the जितने भी ब्रैकेट में ये सब क्या हमारे, these all are the determinants जो हमने पढ़े थे, ठीक है। F shows क्या करता है कि supply के साथ हमारा क्या एक relation है, किसका, determinants के साथ। Okay, Pn is the price of a commodity, Pn minus P1 and 2 Pn minus 1 is the price of the commodities other than N. Gf is the goal of the firm. Fi to Fm is expression of price of different factors of production. T is the technique of production, E is a symbol of expectations of future prices, GT is taxation policy of the government, N is natural factors, M1 means of transportation. Students, इन सब का अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट इसमें लास्ट वीडियो देख चेक कर सकते हैं। ये सारे डिटरमिनेंट्स हैं जिसमें मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन किया है। Okay, now come to the next is law of supply. Very, very, very important student, because this law of supply is come 3 to 4 marks question with the schedule and the diagram. So make sure कि आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। Okay, तो students पहले हम ये समझते हैं कि law of supply होता क्या है, ठीक है। देखिए क्या होता है लॉ ऑफ सप्लाई, इट इज ऑब्जर्व्ड इन मार्केट्स व्हेन मोर प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटीज आर ऑफर्ड टू सेलर्स। यानी कि ऐसा माना गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है मार्केट में कि व्हेन मोर प्राइस, यानी कि किसी भी कमोडिटी के जो प्राइसेस ज्यादा होते हैं, आर ऑफर्ड टू सेलर्स तो इंक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ दीज कमोडिटीज। तो उनका जो सेलिंग है वो क्या कर देते हैं, उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है। एंड व्हेन द लेवल ऑफ प्राइसेस डिक्रीजेस द सेलर डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाइड। यानी कि जब ये देखा गया है मार्केट में, जब किसी भी क्वांटिटी की सप्लाई, क्वांटिटी के प्राइस इंक्रीज कर दिए गए तो उसकी सप्लाई बढ़ती चली गई, और जब किसी के प्राइस डिक्रीज कर दिए गए क्वांटिटी के तो सेलर ने क्या किया, उसकी क्वांटिटी सप्लाई को कम करना स्टार्ट कर दिया। एंड दिस बिहेवियर ऑफ अ सेलर इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सप्लाई। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोला गया है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस, एंड इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेस क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज। यानी कि बाकी सारी अदर थिंग्स रिमेनिंग, यानी कि सब चीज वैसे ही रहेगी जैसा था, लेकिन एक प्राइस की क्या होता है, इंक्रीज होने से हमारी सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, और उसी प्राइस के कम होने से हमारी सप्लाई क्या हो गई, कम हो गई, और जितनी भी रिमेनिंग थिंग्स थी दीज ऑल आर द सेम, ठीक है, जिसको ceteris paribus भी बोला जाता है। There exists a directive and positive relationship between price and quantity supplied of a commodity। और जब कोई चीज उसी के साथ होती है, मींस इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन सेल, डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन सेल, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं। जब कोई भी चीज किसी के साथ चलती है, दैट शोज द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाइड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड। QS इज क्वांटिटी सप्लाइड, F इज, अभी हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था, मतलब फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। ओके, P इज प्राइस के साथ क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये क्या है स्टूडेंट्स, आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब 50 केजी थी तो वो कितना किलो बिकता था, 400 किलो बिका। यानी कि जब मान लेते हैं कि चावल 40 रुपए किलो था तो मतलब 400 केजी क्वांटिटी बिकी। जैसे जैसे उसकी कम होती गई, क्या हुआ, क्वांटिटी सप्लाई भी कम होती गई। लेकिन ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? भाई जब यूजुअली लोग क्या करते हैं, किसी चीज के दाम जब कम होने लगते तो लगता है इसको खरीद लो जल्दी से, अभी तो उसके दाम कम हो रहे हैं। बट सप्लाई में ऐसा क्या है कि जब किसी चीज के प्राइस कम हो रहे हैं तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो रही है? व्हाट आर द रीजंस? ठीक है, चलिए अगर आपको कोई रीजन पता है तो मुझे कमेंट सेशन में कमेंट जरूर करिएगा, बाकी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्योंकि क्या होता है, जो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो भी क्या होता है उसके साथ कम होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या लगता है जब किसी चीज के प्राइस उसमें कम होने लगते हैं तो उसकी सप्लाई भी क्या होने लगती है, यानी कि उसकी जो बूम होता है ना, वो बूम भी कम होने लगता है। पहले अरे वाह ये अच्छा ये चीज आई है, तो स्टार्टिंग में लोग बहुत खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है हर किसी को जरूरत है तो वो खूब खरीदेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अभी पैंडेमिक में क्या हुआ कि वही सैनिटाइजर, ग्लव्स, ये सब क्या वो बहुत यूज होने लगे, तो इसके प्राइस बढ़ते भी गए, लोगों ने खरीदा भी। ठीक है, और जैसे ही मान लेते सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा आफ्टर 2-3 इयर्स एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर मे बी वी कैन से दैट, पर ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका प्राइस भी कम होते जाएंगे और इसकी सप्लाई भी कम होती जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स पे। अगर आपको कोई अपना एग्जाम्पल हो तो आप मुझे जरूर शेयर कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए हम इसको स्केड्यूल में के साथ हम डायग्राम में देख सकते हैं कि प्राइस हमारा क्या है, प्राइस हमारा क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन वही क्वांटिटी सप्लाई में जब अलग अलग आता है कि 400 किलो, 300 किलो, 200 किलो, तो सप्लाई में क्या है उसकी क्या होने लगता है, सप्लाई हमारे क्या होने लगता है, उसका जो स्लोप है वो क्या होने लगता है, डाउनवर्ड होने लगता है। ठीक है, चलिए ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। अगर आपको नहीं क्लियर हो आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करिएगा। अगर आपका कोई अपना टॉपिक हो जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे बिल्कुल डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है, मेरा इंस्टाग्राम है, आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।